वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का शुभारंभ किया। साथ ही 6 नए पोर्टल लॉन्च किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर एक पोर्टल का अपना एक महत्व है। मुझे पोर्टल की सरकार की संज्ञा मिलने पर खुशी है। हम लोगों की सुविधा के लिए नए पोर्टल लाते रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना को लेकर सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रेरणा लेकर हमने संकल्प लिया कि हर परिवार के पास अपना घर हो। इस पोर्टल पर वे सभी गरीब परिवार घर के लिए आवेदन कर सकेंगे जिनके पास घर नहीं है और जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है। एक एक पोर्टल के साथ विषय में बताता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी चूंकि सारे एक साथ लॉन्च हो गए हैं तो इसमें एक एक की जो जानकारी आपको इसलिए बता रहा हूं कि हर एक पोर्टल का एक अपना महत्व है। और मैं प्रारंभ में ही धन्यवाद करना चाहूंगा अपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कि जिन्होंने ये एक संज्ञा दी है कि ये पोर्टल की सरकार है। मुझे गर्व है इस बात को सुनने में भी कि पोर्टल की सरकार है और लगातार हम नए नए पोर्टल जन सुविधा के लिए लाते रहेंगे। और मैं उनसे अपेक्षा भी करता हूं कि इस विषय को चुनाव के आखिरी समय तक छोड़े नहीं, ताकि जनता इसको जान सके कि पोर्टल का कितना उपयोग है। और ये पोर्टल को समाप्त करने की बात करेंगे तो जनता इनको समाप्त कर देगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। तो उस नाते से जैसे एक विषय आया था कि गरीबों की आवास की योजना, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान सारे देश में चलाया हुआ है। हमने भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके अभी तक 60,000 आवास या तो उनको पैसा मिल चुका है जो अपने आप बना रहे हैं, जो हमने बना करके देने थे उसकी चाबियां भी उनको दी गई हैं। कुछ उसमें से 12-13,000 ऐसे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है, जैसा ही वो तैयार हो जाएंगे उनको वो दे दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी मांग अभी भी ऐसे गरीब परिवारों की है कि जिनको सबको सबके सिर पर छत नहीं है, तो हमने अपनी योजना में यह तय किया कि हम 1,00,000 नए मकानों को या सस्ते प्लॉट्स ऐसे गरीब परिवारों को देने के लिए उपलब्ध कराएंगे जिनकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम है। तो ऐसे योजना में बहुत जल्दी एक 4 जिलों में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद, इसमें फ्लैट देने की योजना हमारी है, तो उनको फ्लैट दिए जाएंगे। और बाकी स्थानों पर फ्लैट अथवा प्लॉट, क्योंकि बहुत से एरियाज ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स भी दिए जा सकते हैं, थोड़ा कम कीमत में प्लॉट उपलब्ध हो सकते हैं, फ्लैट भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ये 3-4 शहर ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स देना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम हो अथवा फरीदाबाद हो, सोनीपत हो या पंचकुला हो, यहाँ जमीनों के रेट बहुत हाई हो गए हैं और ऐसे परिवारों को फ्लैट देने में फिर भी फिजिबिलिटी ये बन जाती है। तो इस प्रकार से HSVP के द्वारा ये सब आवास कॉलोनियां बनाई जाएंगी।